यू स्टेट समझ में आया था क्या होता है, कैसे वर्क करता है? यस सर। कल मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। यू स्टेट क्या है? एक रिएक्ट का हुक है जो कि आपको स्टेट की फंक्शनैलिटी ऐड करने का ऑप्शन देता है, ठीक है? इट क्या रिटर्न करता है, वो एक एरे के फॉर्म में टू वैल्यूज को रिटर्न करता है, जिसमें इनिशियल जो फर्स्ट वैल्यू रहती है वो हमारे वेरिएबल का नेम रहता है, एंड जो सेकेंड रहती है वो एक फंक्शन रहता है जो कि उस वैल्यू को अपडेट करता है, ठीक है? और फिर उसके बाद हम इसमें क्या पास कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हैं या फिर उसे एम्प्टी भी रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर नीड, जो हमारी नीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम इनिशियल वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज अगर हमें इनिशियल वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इनिशियल वैल्यू को स्किप कर देंगे, ठीक है? तो आज थोड़ा और देखते हैं यूज स्टेट को। ओके, व्हाट इज स्टेट? अभिषेक, व्हाट इज स्टेट? यूज स्टेट इज अ रिएक्ट हुक दैट नो, अलाउ यू यूज टू स्टेट नहीं, ऐड व्हाट इज स्टेट स्टेट? टू अभिषेक, यूज स्टेट नहीं, व्हाट इज स्टेट? स्टेट। व्हाट इज स्टेट? ओके, तो यूज स्टेट में हम हमें किसका यूज कर रहे हैं? हम स्टेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है? स्टेट हमारी जो करंट वैल्यू है वो है। अब स्टेट क्या होती है? यूज स्टेट तो हमें पता चल गया कि एक हुक है जो कि एरर रिटर्न करता है इनिशियल वैल्यूज और उसकी एक मेथड जिससे वो वैल्यू सेट करता है, एंड हम यूज स्टेट के अंदर एक इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हैं। बट स्टेट क्या है? तो स्टेट स्टेट इज अ बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू कंटेन डेटा और इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट। तो स्टेट क्या है? एक बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, डेटा को कंटेन करता है, मतलब डेटा को स्टोर करता है। जिस तरीके से वेरिएबल किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है, उसी टाइप से रिएक्ट में स्टेट होती है जो कि एक रिएक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें अ कंपोनेंट स्टेट्स कैन चेंज ओवर टाइम वेदर इट चेंज द कंपोनेंट रीरेंडर्स। तो जब भी हम उस स्टेट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं तो हमारा कंपोनेंट क्या होता है, रीरेंडर होता है। और जब हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होता है तो हमारा एचटीएमएल भी क्या होता है, रीरेंडर होता है। हमारी हमको क्या मिलती है, वैल्यू चेंज होके मिल जाती है। क्लियर है स्टेट क्या है? हाँ स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, स्टेट ये है जिस पे हमने यूज स्टेट में वेरिएबल का नेम रखा है, वो हमारा स्टेट वेरिएबल हो गया। सो सपोज हमें लेना है कॉन्स, नम1 सेट नम1 टू। तो यहाँ पे हमारी स्टेट कौन सी है? ये num1 जो है ये हमारा स्टेट वेरिएबल है, ठीक है? अब क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टेट अ बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू कंटेन डेटा और इंफॉर्मेशन। स्टेट क्या है? हमारा एक बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पूरा एक बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? जो कि क्या स्टोर डेटा करेगा, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर डेटा करेगा, ठीक है? इंफॉर्मेशन मतलब डेटा स्टोर करेगा। तो हमने इसमें क्या स्टोर कराया, टू को टू स्टोर करा दिया है, ठीक है?
अब इसमें क्या लिखा है, अ कंपोनेंट स्टेट कैन चेंज ओवर टाइम व्हेन एवर इट चेंज द कंपोनेंट इज रेंडर। ये कह रहा है कि जैसे स्टेट में कोई भी चेंजेस परफॉर्म होते हैं तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। अब इसको चेक करते हैं कि हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है चेंजेस परफॉर्म में। कौन स्टेट नंबर, हमने एक वेरी एक फंक्शन बनाया, ठीक है, एरो फंक्शन, और इसमें हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे। अब जो स्टेट की डेफिनेशन थी उसमें सेकंड वाला क्या था, जो द करंट स्टेट एंड फंक्शन अपडेट, जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, हमारी करंट स्टेट है, ठीक है, एंड जो सेकंड है वो क्या है, एक फंक्शन है जो कि अपडेट करेगा करंट स्टेट की वैल्यू को। तो हमारा सेकंड वाला आर्गुमेंट क्या है, एरे के अंदर फंक्शन है जो कि अपडेट करेगा हमारी वैल्यू को करंट स्टेट को। करंट स्टेट ये है हमारी नंबर, ठीक है। अब हम इस फंक्शन का यूज करेंगे सेट नम1। अब हमें जो भी वैल्यूज इसके अंदर अपडेट करनी है या रीअसाइन करनी है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। सपोज अगर हमारे पास नम1 में 2 है, ठीक है, और हमें उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, नम1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का टेबल हो जाएगा। अब देखो रिलोड है, ठीक है, चेंज नंबर, सारी चीजें परफेक्ट है, नंबर इज नॉट डिफाइंड, ओके, वन, वेयर इज नंबर, ये देखो ये रिलोड हो रहा है बार बार, जैसे मैं कर रहा हूँ 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, एवरी टाइम जब भी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ रिलोड हो रहा है। क्यों रिलोड हो रहा है, क्योंकि स्टेट का बिहेवियर क्या होता है, अ कंपोनेंट स्टेट कैन चेंज ओवर टाइम व्हेन एवर इट चेंज द कंपोनेंट री रेंडर। जैसे ही स्टेट में कोई भी चेंजेस होता है तो हमारा कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है। क्लियर है क्यों हमारा री रेंडर हो रहा है, ये कंसोल डॉट लॉग रिलोड, ये जो यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है हमारा, ये री रेंडर हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे मैं स्क्रीन चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ और ये री रेंडर होगा, 256 हो रहा है, ओके, यस ये क्लियर है री रेंडर क्यों हो रहा है। कोई डाउट है इसमें, ठीक सर, ओके। सो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि ऐड करेगा और सब्ट्रैक्ट करेगा। दो नंबर ले लेते हैं, सर ये नम1 जो है ये वैल्यू को कंटेन कर रहा है, 2 वैल्यू को, तो सर इसमें 2 वैल्यू कंटेन नहीं की जा सकती, यूज स्टेट में 2 वैल्यू एरे के आर्गुमेंट फॉर्म में में की पास। जाएगी, नम वन के अंदर एरे बन जाएगा, एरे के फॉर्म में कर सकते हैं हम दो वैल्यूज को। ओके सर, जिस तरीके से हम वेरिएबल का यूज करते हैं ना, उसी तरीके से हमारा स्टेट का यूज होता है। तो हम वेरिएबल में जिस तरीके से दो वैल्यूज को असाइन नहीं कर सकते, अगर असाइन करना है तो हमें एज अ स्ट्रिंग एज अ एरे असाइन करना होगा उसे, ठीक है, यस सिंगल सर, वैल्यू जाएगी इसमें। एडिशन,
थर्ड वेरिएबल लेते हैं जो कि रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट शो करेंगे। तो जब भी मैं एडिशन के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरे दो नंबर है ये क्या होंगे, इनका एडिशन होगा। और तो जब मैं सब्ट्रैक्शन के बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जो मैक्सिमम नंबर है जी उससे मिनिमम नंबर को माइनस माइनस किया है कर यहाँ पे। दिया। ठीक है, देखो एडिशन पे क्लिक करूंगा 60 रिजल्ट आ रहा है, सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करूंगा 20 रिजल्ट आएगा। क्लियर है ये कैसे हुआ है? मैंने दो फंक्शन बनाए यहाँ पे, डेटा सेट ओके ओके ये रहा। तो दो फंक्शन बनाए मैंने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो कि बटन पे मैंने क्या किया है, इवेंट पे कॉल किया है क्लिक इवेंट पे।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। इसके अंदर मैंने क्या कोड लिखा है, इसके अंदर मैंने कोड लिखा है कि जैसे ही कोई भी इस बटन पे क्लिक करे तो फंक्शन मेरा ट्रिगर हो, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है एडिशन नेम से। इसके अंदर मैंने सेट रिजल्ट अपडेट मेथड है मेरी स्टेट की, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अपडेट क्या कर रहा हूँ मैं, सेट रिजल्ट के अंदर जब भी कोई एडिशन की बटन पे क्लिक करेगा तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 हो जाएगा, और अगर कोई सब्ट्रैक्शन की बटन पे क्लिक कर रहा है तो नंबर 2 से नंबर 1 को माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये कैसे हो रहा है? यस ओके सर। ओके ठीक है, एक डेमो जो हमारा था अब डेमो पे देखते हैं। यहाँ पे प्रॉप्स में प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा था, हम क्या क्या पास कर सकते हैं प्रॉप्स के अंदर, और प्रॉप्स क्या होते हैं। अब इसे प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स आर आर्गुमेंट पास इनटू रियल कंपोनेंट्स। पर ये एक प्रॉप्स से हम की और वैल्यू के पेयर्स में कंपोनेंट्स में कोई भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। प्रॉप्स के रूप में ओके, तो हम वैल्यू तो पास कर सकते थे, क्या हम फंक्शंस पास कर सकते हैं? प्रॉप्स से फंक्शन इससे पास कर सकते हैं। फंक्शन यहाँ पे पास हो रहा है। ओके, फंक्शन कैसे पास हो रहा है? जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का रेफरेंस क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने एक क्या बनाया, हेलो नाम का फंक्शन बनाया है, जो कि मुझे क्या परफॉर्म करके दे रहा है, हेलो प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, बट अगर मुझे इसका रेफरेंस चाहिए जो कि पास होगा,
दो तरीके से होता है, जब भी मैं फंक्शन का नेम लिखता हूँ उसके बाद ब्रैकेट लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा फंक्शन कॉल हो जाता है और वो मुझे हेलो रिटर्न करके दे देता है, ठीक है। बट अगर मुझे इसका रेफरेंस चाहिए, मतलब इसकी एक इमेज चाहिए जिसको मैं बाद में किसी भी फंक्शन क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट में यूज करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं इसका एक रेफरेंस पास कर दूंगा मेरे कंपोनेंट में। तो ये अब मेरा क्या एक रेफरेंस है, पूरा का पूरा फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको। जैसे ही मैंने हेलो टाइप किया कंसोल डॉट लॉग हेलो, उसी तरीके से मैंने क्या पास किया, रेफरेंस पास किया मेरे डेमो कंपोनेंट में सेट रिजल्ट वाला, जो कि क्या कर रहा है, एडिशन है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो खुल जाएगा और एडिशन आपको दिखने लगेगा, ठीक है। ये खुल गया, ये पूरा मेरा एडिशन का है, नंबर वन प्लस नंबर टू। अब हम इसको पास कर दिया, अब हम इससे वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बटन लगाते हैं फिर से,